हाँ जी स्टूडेंट, जैसे कि रेशो के अंदर हमने सारे पार्ट लगभग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो और हमने लास्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशो तीन चार पार्ट्स थे वो कर लिए। अब कुछ मिसलिनियस में क्वेश्चंस करूँगा। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है, मिसलिनियस में जाओगे तो अभी तो मुझे बुक जो क्वेश्चंस है मैंने बोर्ड पे लिखा है इसी के अकॉर्डिंग आपने देखना है। सबसे पहले देखो कहता है DTR निकालो, डेटर टर्नओवर रेशियो। तो DTR का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। DTR क्या कहता है, कब बनता है DTR? सेल्स करने से, वो भी क्रेडिट सेल्स। तो हमारा DTR होगा क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। ठीक है, अब क्रेडिट सेल्स आपको नहीं दे रखा, आपको टोटल सेल्स पता है और आपको एवरेज डेटर भी नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ भी फाइंड कर सकते हो। क्लोजिंग डेटर दे रखा है आपको, यहाँ पे एवरेज डेटर देखो कहता है क्लोजिंग डेटर हमारा 2 लाख है। कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग डेटर ऊपर ओवर ओपनिंग 80,000। कहता है क्लोजिंग डेटर जो भी है वो ओपनिंग से 80,000 ज्यादा है, तो यहाँ ओपनिंग डेटर भी निकाल लेंगे माइनस करके उसे देख लेंगे। अब हम पहले क्रेडिट सेल्स निकालते हैं। तो हमारा बेसिकली सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू बताओ कैश सेल्स प्लस में क्रेडिट सेल्स, है कि नहीं? सेल्स हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1,20,000। 1,20 है 12 लाख, एक बार ये चेक कर लेते हैं 1,20 है या 12, क्योंकि मेरे पास इमेज आया है जिससे काफी प्रॉब्लम हो रही है। अगली क्लास से तो मैं बुक किसी से लेके फिर करवाऊंगा। 12 लाख कैश सेल्स पता है क्या आपको क्वेश्चन में? बिल्कुल, 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। देन क्रेडिट सेल्स इज व्हाट, एक्स। इसका 25% निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x/4, है क्या नहीं? तो क्रेडिट सेल्स आपको पता ही नहीं है, तो क्रेडिट सेल्स एक्स माना ना, इसका 25 x/4, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या निकल जाएगा, क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5x/4। तो रिजल्ट इस 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 48 लाख इज इक्वल टू 5x। अब नाउ एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 लाख डिवाइडेड बाय 5, 9,60,000 रुपीज़। ठीक है, 9,60,000 रुपीज़ वर्थ इस एक्स यानी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मिल गया, एवरेज डेटर निकालते हैं। ओपनिंग डेटर आपको एग्जामिनर ने बताया कि 80,000 हमारा क्लोजिंग से ज्यादा है। ओपनिंग जो है हमारा, जो क्लोजिंग है वो 80,000 ज्यादा हमेशा होता है, किससे, ओपनिंग से। तो क्लोजिंग पता है हमें, तो इसका मतलब 1,20,000। ओके, एवरेज डेटर कैसे निकालोगे, सिंपल, ओपनिंग डेटर प्लस में क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 2 लाख प्लस में 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मेरे से कोई निकालने को बोले तो मैं तो बड़े आसानी से निकाल दूंगा और निकल भी गया 1,60,000। ठीक है, अब निकाल देते हैं हम DTR। DTR इज इक्वल टू 960 क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 1,60,000 इज इक्वल टू 6 टाइम आ गया आई थिंक हमारा ना, 1,60,000 तो 6 टाइम आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे आप, ACP निकाल देते हैं। ACP का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ACP इज इक्वल टू मंथ डेज टाइम होता है हमारा लगभग। इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेज, 365 डिवाइडेड बाई DTR। तो डेज क्या है, 365, DTR कितने हैं, 6, 365 डिवाइडेड बाई 6, तो 60.8, 60.83। अगर मंथ में क्वेश्चन बोले तो मंथ में कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 6, 2 मंथ, ठीक है ना। ईयर में बोले तो 1 डिवाइडेड बाई 6, 0.5 आ जाएगा आपका इस तरीके से ईयर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 23, इसको फटाफट नोट करिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जितना भी मैं कर सकता हूँ अभी करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट वाइज लूंगा। आप पूरे पहले फॉर्मूले को रिवाइज करना तब इसको करने बैठना। कर लिया नोट आपने, फटाफट इसको नोट करिए। चलिए क्योंकि अभी मेरे पास क्वेश्चन जो है वो भी है नहीं, बुक आया नहीं अभी,
तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास अवेलेबल है कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको क्वेश्चन आपके बुक के करा रहा हूँ। बुक कौन सी है सर? जे आर मोंगा है आपकी बुक। ठीक है, कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर करने चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि फर्म का करंट रेशियो है, यानी करंट रेशियो दे रखा है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो तो 4.5:1, 4.5:1 ये करंट रेशियो है। क्विक रेशियो भी दे दिया, क्विक रेशियो किसे बोलते हैं बताइए जल्दी से, लिक्विड रेशियो को। क्विक रेशियो बताया 3:1। कहता है इफ इन्वेंट्री इज 72,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री क्लोजिंग ही होता है वैसे, कितने बताया इसने 72,000 रुपीज। इस टाइप का क्वेश्चन, फाइंड आउट द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, सी ए एंड सी एल फाइंड करना है। ठीक है, सी ए क्वेश्चन मार्क है और सी एल भी क्वेश्चन मार्क है। कैसे सॉल्व करें? आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे सपोज करो पहले मैं सी ए का फॉर्मूला ओपन करता हूँ, सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, सी ए डिवाइडेड बाय, सॉरी सी आर, सी आर इज इक्वल टू सी एल। सी आर पता है हमें 4.5 डिवाइडेड बाय 1, सी ए डिवाइडेड बाय सी एल। सी एल का आपका वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी करंट एसेट्स का वैल्यू क्या आ गया, 4.5 CL, है कि नहीं? करंट एसेट्स का वैल्यू आ गया 4.5 CL। नाउ आप सेकंड फॉर्मूला, जब एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो सेकंड फॉर्मूला हम क्यू आर यानी क्विक रेशियो का ओपन करते हैं। ये क्या होता है, सी ए माइनस में स्टॉक, याद है ना आपको, माइनस प्रीपेड, प्रीपेड नहीं है तो लिखने दो, डिवाइडेड बाई सी एल। ये पता है हमें कितना दे रखा है, 3/4, 3/1, 3:1 यानी। सी ए पता है हमें, सी ए का वैल्यू हमारा 4.5 CL, माइनस में स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू पता है हमें क्या है, 72,000 रुपीज। समझ में आ रही है आपको बात, 72,000 डिवाइडेड बाई सी एल, नहीं पता सी एल को ऐसे रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 CL इज इक्वल टू 4.5 CL और प्लस माइनस में 72,000, है कि नहीं? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 CL 4.5 CL माइनस करेंगे तो माइनस का 1.5 CL आ जाएगा इज इक्वल टू 72,000, ये भी माइनस का है तो माइनस से माइनस आपको पता है कि कट जाता है, तो CL हमारा आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली। और CL मैं कैसे निकालूंगा, 72,000 बड़ा ही आसान है, डिवाइडेड बाय 1.5, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 1.5 रिजल्ट इज 48,000। तो 48,000 हमारा क्या आ गया, CL आ गया। सी ए कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, सी ए मैं किसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो सी ए इज इक्वल टू 4.5 × में 48,000 रुपीज। सिंपल, बहुत ही आसान जवाब है इसका, तो 4.5 × में 48,000 रुपीज, ये लो जी 2,16,000 रुपये हमारा क्या आ गया, ये आ गया सी ए। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें फॉर्मूला ओपन करना पड़ता है, कोई भी एक फॉर्मूला ओपन कर लो, चाहे करंट एसेट्स का करो चाहे करंट लाइबिलिटी का, उसी के अकॉर्डिंग आपने सारा का सारा करना होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने अभी करवाया आपको रेशो, रेशो में क्वेश्चन नंबर 20 करवाया और इससे पहले एक हमने करवाया डेटर वाला, तो इसको भी नोट करिए आप। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट से आप नोट करते जाइएगा, डाउट जो होगा मैं डाउट सेशन रखूंगा आपका, एक लाइव क्लास रखूंगा डाउट सेशन में बता दूंगा, जिसमें मैं सीक्वेंस से सारे डाउट्स आपके ले लूंगा। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको नोट करिए फटाफट, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और कौन सा क्वेश्चन लें हम, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपने चिंता नहीं करना, बस मुझे अभी जो ठीक लग रहा है मैं वो अपने अकॉर्डिंग करा दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एवरेज कलेक्शन पीरियड का, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के नाम से है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या कहता है आपका? टू कंपनी है, एक ए लिमिटेड है आपके सामने, जो आपका चैलेंज है, एक ए लिमिटेड है और एक है आपका बी लिमिटेड। हर कोई बुक के अंदर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कहता है ए लिमिटेड बी लिमिटेड है, बिलोंग्स टू द सेम इंडस्ट्री बोथ कंपनी, सेम इंडस्ट्री बोथ कंपनी, कोई लेना देना नहीं है। अलाउड टू पीरियड 30 days देयर कस्टमर, और जो ये टाइम प्रोवाइड करते हैं अपने ग्राहक को वो 30 दिन का देते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैज बिन एक्सट्रैक्ट ऑफ द देयर बुक्स, कहता है टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स इसका 200 है, और अगर ध्यान से देखो तो इन लैक है ये, तो यहीं पे हम भी ऐसे लिख देते हैं लैक, और इसका देखा जाए तो 500 लैक है। क्रेडिट सेल्स दे दिया इसने, क्रेडिट है कैश है, कैश है सॉरी, कैश सेल्स दे दिया। कैश सेल्स कितने का दिया आपको ध्यान से देखो तो 30, और इसका दिया हमें 180। नाउ इजीली क्रेडिट सेल्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, अल्टीमेटली कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड जो डेटर से रिलेटेड है। तो माइनस करोगे इसको, तो मैं यहीं पे क्वेश्चन के साथ साथ 170 कर दिया, और 180 माइनस करोगे तो 3,20,000। इसके बाद कहता है डेटर एट द एंड अनरिसीवेबल एट द एंड, तो देखो मजे की बात इसमें यह है कि डेटर आपको क्लोजिंग बता रहा है, क्लोजिंग डेटर 13 लाख और 18 लाख, और बीआर भी देता है आपको, दोनों क्लोजिंग है। तो आप फॉर्मूले जब मैंने लिखवाए थे डेटर वाली क्लास में तो आपको याद होगा कि जब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता तो एवरेज कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग क्लोजिंग को ही प्लस कर दो तो एवरेज निकल जाएगा, क्लियर है ना। इसमें दे दिया इसने, कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों के लिए निकालना है, विच द कंपनी क्रेडिट एंड कलेक्शन बेटर, किस कंपनी का कलेक्शन बेटर है। तो जिसका भाई सबसे कम आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड वो ठीक रहेगा, वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले डीटीआर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा आपका मंथ निकालो डे निकालो, मैं मंथ में कर लेता हूँ ठीक है। 30 दिन दिया मंथ डिवाइडेड बाई डीटीआर, कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्रेडिट सेल्स भी है और डेटर भी है, तो पहले डीटीआर निकाल लेंगे मंथ करके कर लेंगे सिंपली। तो डीटीआर निकाल लेते हैं, डीटीआर का फॉर्मूला क्या है हमारा, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय, हो सकता है मे भी कुछ स्टूडेंट को दिखे ना ये, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ, एवरेज डेटर। मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो उस बात को लेके, मैं करता रहूंगा आपको, बस मैं बोलता रहूंगा आप लिख लेना, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। सेम इसका लगेगा, मैं दोनों के लिए इधर एवरेज डेटर निकाल लूँ। इसका क्रेडिट सेल्स क्या है, डीटीआर अगर मैं निकालू, डीटीआर अगर मैं ए का निकालता हूँ तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 170, और एवरेज स्टॉक हमें निकालना पड़ेगा। तो एवरेज स्टॉक के लिए हमें देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, लेकिन यहाँ तो क्लोजिंग ही है तो लास्ट ऑप्शन यही है, तो इन दोनों को ही जोड़ देते हैं, तो 15 आ गया इसका डीटीआर। अब डीटीआर मैं निकाल के दिखाता हूँ बी लिमिटेड का, ठीक है ना। बी लिमिटेड का कितना है हमारा डीटीआर, बी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो डीटीआर इज इक्वल टू 320, और डिवाइड किससे कर देंगे, 22 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास। अब सिंपली क्या करेंगे बताइए, इनका आंसर आएगा 170 डिवाइडेड बाय 15, तो देखिए पॉइंट में आंसर आ गया 11.33, 11.33, और दूसरे का देखें 320 डिवाइडेड बाय 22, इसका भी पॉइंट में आ गया 14.54, क्लियर। अब हमें क्या करना है, दोनों कंपनी का हमें एसीपी निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्वेश्चन में और भी देख लें क्या कुछ दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो बस यही निकालना है। चलो हमने ये तो निकाल लिया, अब इसके बाद आगे चलते हैं। मंथ या डेज में नहीं कहता, ऊपर कहता है सर अलाउ क्रेडिट पीरियड 30 days इन देयर कस्टमर, कस्टमर को 30 दिन देता है, तो बट ऑब्वियस से जब दिन बोल दिया ना इसने, तो यहां से पता चल गया भाई वो डेज के अकॉर्डिंग लेगा, तो 365 रख देंगे ऊपर। तो यहाँ के लिए मैं निकाल रहा हूँ ये 365 डिवाइडेड बाई डीटीआर, पहले का क्या है 11.33, तो 365। कई बार ना आपको क्वेश्चन खुद बोलेगा 360 दिन लो आप, वहां मंथ में 360 ही बोला है शायद, अगर ध्यान से देखें तो बोलता है कि क्रेडिट पीरियड 3 days देयर कस्टमर, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, तो 365 ही लो आप, 11.33।
तो ये आ गया, आंसर चेक करोगे तो 32.21। ठीक है, सेम ऐसे निकाल लेते हैं, इसका भी 365 डिवाइडेड बाई, बताओ किससे करेंगे, डिवाइडेड बाई इसका 14.54। फर्क आ सकता है थोड़ा, तो चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। तो पॉइंट में आ गया, फ्रैक्शन में ये आ गया हमारा 25.10। ठीक है, तो हमें दोनों का दे दिया, एक का आंसर देखोगे आप 25.1 आ गया, 32 आ गया हमारा, दोनों का आंसर हमारा आ गया। कहता है विच कंपनी इज बेस्ट, कौन सा है, तो एवरेज किसका सबसे बेस्ट है हमारा, अगर एवरेज देखा जाए तो सबसे जल्दी पैसा रिकवर किस में हो रहा है, यहाँ पे 25 दिन में हो जाते हैं और यहाँ पे 32 दिन में, तो दिस कंपनी इज बेस्ट फॉर मी, कि हमारा एवरेज कलेक्शन जो है कनेक्शन, वो 25 दिन के अंदर ही मैं पैसे रिकवर कर लेता हूँ 30 दिन के बजाय। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी एक बार नोट करिए आप, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो लगभग आज हम रेशियो को खत्म कर लेंगे सारा, जितने भी क्वेश्चन हैं, और कुछ फॉर्मूले अगर रह गए हैं आपके जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह के, तो बीच में ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करंट रेशियो देता है एंड वर्किंग कैपिटल दे देता है फर्स्ट पार्ट में। तो आपको करंट रेशियो गिवन है, वो है 2.5:1, एंड वर्किंग कैपिटल दे दिया इसने, और वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है आपको, 60,000 का। कहता है यहां पे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी निकालिए, करंट एसेट्स भी क्वेश्चन मार्क है और करंट लाइबिलिटी भी क्वेश्चन मार्क है, पार्ट वन। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपसे, जीपी दे रखा है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट वो दे रखा है आपको 1 लाख रुपए का, शेयर दे, सेल्स दे रखा है आपको 5,25,000, सेल्स रिटर्न है वो गिवन है आपको 25,000। कैलकुलेट जीपी रेशियो, जीपी रेशियो जीपीआर लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो बड़े ही आसान दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करते हैं हम। पहले क्वेश्चन का आंसर, पार्ट फर्स्ट का, 10th का फर्स्ट पार्ट, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो सबसे पहले कोई भी आप फॉर्मूला ओपन करो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल कोई भी कर सकता हूं, मैं करंट रेशियो कर लेता हूं। करंट रेशियो इज इक्वल टू सीए अपॉन सीएल। करंट रेशियो हमारे पास है 2.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू सीए डिवाइडेड बाई सीएल, हमें सीएल की वैल्यू मिल जाएगी सीए की, तो 2.5 सीए इज इक्वल टू सीएल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपन करो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस में सीएल। ठीक है, सीए आपको नहीं पता लेकिन सीएल तो पता है, वर्किंग कैपिटल आपको पता है, वर्किंग कैपिटल क्या है बताओ, वर्किंग कैपिटल 60,000। सीए नहीं पता तो सीए रहने देते हैं, सीएल की वैल्यू क्या है 2.5 सीए। रिजल्ट क्या आ गया, अगर यहां सिर्फ सीए है ना तो एक सीए है ये, तो यहां पे आएगा माइनस माइनस 1.5 सीए, माइनस 1.5 सीए मैंने लिखा यहां पे, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान देना एक बार, मैं यहां से दोबारा करता हूँ। यहां पे आएगा हमारा सीए का वैल्यू आ जाएगा, सीए इज इक्वल टू 2.5 सीएल। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा सीए माइनस में सीएल। वर्किंग कैपिटल गिवन है हमें कितने का, 60,000 रुपए का है ना, सीए की वैल्यू बताओ, सर सीए की वैल्यू ये है 2.5 सीएल माइनस में सीएल, सॉल्व करिए तो 1.5 सीएल 60,000। क्या हमने सीएल का वैल्यू निकाल लिया, बिल्कुल, सीएल इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यहां पे सीएल आएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 40,000 रुपए। ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, इसको हम और के तरीके से भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। और
सपोज करो पहले मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपन करता, तो वर्किंग कैपिटल रखता सी ए माइनस में सी एल, ये होता हमारा 60,000। सी ए नहीं पता, सी एल नहीं पता, हम सी ए का वैल्यू निकाल सकते थे 60,000 प्लस में सी एल, ये हो गया। अब सी आर का फॉर्मूला ओपन करो, सी आर का फॉर्मूला क्या होगा, सी ए अपॉन में सी एल। सी आर पता था हमें 2.5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, सी ए पता है हमें 60,000 प्लस में सी एल डिवाइडेड बाई सी एल, मल्टीप्लाई करो 2.5 सी एल इज इक्वल टू 60,000 प्लस सी एल। तो देखो अल्टीमेटली इस इक्वेशन वही आ गया कि हम क्या करेंगे, इस सी एल को माइनस कर देंगे इधर ले जाके, तो 1.5 सी एल बचेगा और 60,000। रिजल्ट इज सी एल इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई, किससे करोगे डिवाइड बताओ, डिवाइड 1.5 से, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट आ जाएगा 40,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई आप इसके अंदर ये और वाला बताया मैंने, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला बोला कि सी एल तो निकाल लिया, सी ए भी निकाल, तो वेरी सिंपल, सी ए किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, सी ए में मैं यही पुट कर देता हूँ, सी ए इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई में सी एल यानी 40, तो कितना आ गया ये 2.5 इंटू में 40, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है करेक्ट। हाँ जी चलिए, पहला आंसर डन। सेकंड पार्ट आपको ये सेल्स देता है, सेल्स रिटर्न देता है और जीपी देता है, आपका जीपीआर का क्या फॉर्मूला है बताइए। जीपीआर इज इक्वल टू जीपी अपॉन में सेल्स इनटू 100, ये तो सामने रिजल्ट मिल गया आपको, जीपी क्या है 1 लाख, सेल्स क्या है आपका, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो 5 लाख। अगर ये आपको नेट सेल देता ना तो माइनस नहीं करना था, तो आंसर 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू में 100, 20% आ गया आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, नोट करिए इसको फटाफट। 11 मैं सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन कर देता हूँ, आपके सारे जितने भी डाउट है वो खत्म हो जाएंगे, नोट करिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यहां पे, फाइंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिक्वायर्ड द कैलकुलेट करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। करंट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, क्या क्या निकालना है, करंट रेशियो, क्वेश्चन मार्क, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्वेश्चन मार्क, जीपीआर, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, जीपीआर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, सेल्स दे दिया इसने और सेल्स देता है 1,40,000, और क्या दिया इसने, जीपी दे दिया 10,000 का, और क्या दिया, नेट प्रॉफिट दे दिया, नेट प्रॉफिट कितने का, 6,000 का। इसके बाद बी आर दे दिया एंड डेटर दे दिया, बी आर 2,000 एंड आपको डेटर दे दिया इसने 8,800, स्टॉक और कैश भी दे दिया इसने, कैश दे दिया 6,000 और स्टॉक स्टॉक दिया है 10,000। क्रेडिटर एंड बीपी 12,000 और 8,800। क्रेडिटर इधर लिख लेते हैं, क्रेडिटर 12,000 एंड बीपी 8,800। देखो इसमें डेटर और इत्तफाक की बात है कि दोनों सेम ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं जीपीआर ने करंट रेशियो बाद में निकालते हैं, क्योंकि चलो सीआर निकाल लेते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। करंट रेशियो सीए डिवाइडेड बाय सीएल, अब सीए को अगर मैं मार्क करूं तो ये सारा पार्ट क्या है हमारा, सीए, इसलिए मैंने पहले ही अलग लिख लिया इसको, तो 2,000, 8,800, 6,000,
10,000, 26,800। सीएल क्या है? 12,000 प्लस 8,800, 20,800। बीस 800 डिवाइडेड बाय 20,800 डिवाइडेड बाय 26,800 डिवाइडेड बाय 20,800, ये आ गया 1.2:1। ये हो गया करंट रेशियो। इसके बाद एनपीआर निकाल लेते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मैंने बताया था जब सिर्फ प्रॉफिट बोलेगा तो ये हमेशा आफ्टर टैक्स होगा, ठीक है? तो 6,000, सेल्स कितने का है? 1,40 इंटू में 100। ये तो आप ही कर लेते इस क्वेश्चन को, तो ये आ गया। बहुत कम आया ये तो, 4% नेट प्रॉफिट 6,000 है, 60,000 है, 6,000 है तो बहुत कम ही आएगा, 4.28%, 4.28%। चलिए एनपीआर के बाद जीपीआर निकाल लेते हैं। जीपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी अपॉन में सेल्स इनटू में 100, है ना? जीपी क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 10,000 डिवाइडेड बाय सेल्स क्या आएगा? सेल्स आएगा 1,40 इनटू में 100। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1,40 इनटू 100, आंसर इज 7.142%। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारे क्वेश्चन करा देता हूँ, 20-22 क्वेश्चन जो भी है, ताकि दिक्कत ना हो। इसको नोट करिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 12 मैं इसके जैसा एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क में रखिए, ठीक है? क्योंकि सेम मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो इसको होमवर्क में रखना है अपने। अब हम अगला क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट करंट एसेट। अच्छा चलो 13 करते हैं। 13 में क्या कहता है? अ कंपनी स्टॉक टर्नओवर 5 टाइम, एसटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, एसटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इज 4,000। जो स्टॉक है, स्टॉक एंड ऑफ ईयर, जो एंड ऑफ ईयर का है स्टॉक हमारा, वो हमारा है 4,000, मोर देन द बिगनिंग ऑफ ईयर 4,000। ये मोर है, मोर का मतलब पता है क्या होता है? प्लस। ये प्लस है किससे? फ्रॉम ओपनिंग। इसका मतलब अगर ओपनिंग का 10 होगा तो क्लोजिंग 14 होगा। बिगनिंग ऑफ द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर ऑल, क्रेडिट सेल्स, सारा का सारा क्रेडिट है तो सेल्स दे दिया क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने। और सेल्स गिवन है आपको 3 लाख, 3 लाख। सेल्स के बाद रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जीपीआर दे दिया 20%, जीपीआर दे दिया 20%। करंट लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 60,000, सीएल दे दिया आपको 60,000। करंट लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 60,000। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो 1:1, 1:1। कैलकुलेट करंट एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर, करंट एसेट्स एट द एंड ऑफ ईयर क्वेश्चन मार्क, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स के लिए हमें क्या चाहिए? यहां पे अगर क्विक रेशियो दे रखा है, यहां से हमारा करंट एसेट्स निकल सकता है, ठीक है ना? तो हमें यहां पे और क्या क्या चीज चाहिए? एसटीआर से हम क्या निकाल सकते हैं? सीओजीएस, जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी निकल जाएगा। पहले जो फॉर्मूला दे रखा है ना, उस फॉर्मूले को ओपन करो।
आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। इस वाले को हम लास्ट में ओपन करेंगे, ठीक है ना, क्विक रेशियो को। एसटीआर क्या कहता है सर? एसटीआर कहता है एसटीआर इज इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब सीओजीएस क्या कहता है? ओपनिंग क्लोजिंग माइनस, पहले हमें यहां पे एवरेज स्टॉक भी नहीं पता और एसटीआर पता है, सीओजीएस नहीं पता। अब सीओजीएस निकाल लो पहले। सीओजीएस होता है हमारा सेल्स माइनस में जीपी, ठीक है, सेल्स माइनस जीपी। अब देखो सेल्स भी पता है और जीपी भी पता है, अब जीपी किस पे होगा? इसी के ऊपर होगा। तो सीओजीएस 3 लाख डायरेक्ट निकालेंगे, 20% सेल्स पे ही हमेशा मानते हैं, तो माइनस में 60,000, 240 आ गया सीओजीएस। अब इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकल जाएगा एएस इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 5, एएस इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 48,000 रुपीज। कोई डाउट? नहीं, ये एवरेज स्टॉक आया। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला ओपन करो। एवरेज स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब हमें ओपनिंग भी नहीं पता, क्लोजिंग भी नहीं पता, तो लेट करते हैं। लेट ओपनिंग, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को एक्स मान लू तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? उससे ज्यादा, एक्स प्लस में कितने थाउजेंड ज्यादा होगा उसका? 4,000। मिल गया ओपनिंग और क्लोजिंग, लगाइए फॉर्मूला। एवरेज स्टॉक क्या आया था हमारा? 48,000। ओपनिंग स्टॉक एक्स प्लस में, एक्स प्लस में 4,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करिए, इंटू 2 96,000, 96, ये क्या आ जाएगा जब हम इसे प्लस करेंगे? तो 2x प्लस में 4,000, माइनस करेंगे 4,000 इधर लाके 92,000, 92,000, 2x, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 92,000 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाई टू 46,000, एक्स इज इक्वल टू 46,000। इट मीन्स आपका ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 46,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है ना हमें 4,000, 50,000। सर ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो क्वेश्चन में पूछा है कि करंट एसेट्स बताओ, तो करंट एसेट्स के लिए यहां वैल्यू पुट करना है। यहां वैल्यू अगर क्विक रेशो की मैं बात करूं तो क्विक रेशो में स्टॉक का यूज होता है। क्विक रेशो का भी फॉर्मूला यूज लिखता हूं मैं तो आपको क्लियर होगा। क्विक रेशो इज इक्वल टू सीए माइनस में स्टॉक होता है, याद होगा आपको। तो स्टॉक कौन सा होता है पता है? ये क्लोजिंग होता है। तो सिर्फ इतना जो हमने कैलकुलेशन वगैरह करा वो सिर्फ इसको निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक को हम डायरेक्ट निकाल ले सकते थे। क्विक रेशियो है 1:1। वन बाय वन, और करंट एसेट्स नहीं पता, सीए रहने दो। माइनस में स्टॉक तो पता है ना 50,000, सीएल पता है आपको, सीएल क्या है आपका 60,000 रुपीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अब यहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 इज इक्वल टू सीए माइनस में 50,000, सॉल्व कर लो, ये लो आ गया आपका सीए का वैल्यू, CA is equal to 1,10,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और CA क्या आ गया हमारा 1,10,000 रुपीज, ठीक है। तो बस घुमाया है क्वेश्चन ने, बाकी क्वेश्चन में तो था नहीं, क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान था। मेन पॉइंट यहां था कि हमें क्या निकालना था इसमें, क्लोजिंग स्टॉक, तो ध्यान रखना है आपने। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अगर पहले करंट रेशो का फॉर्मूला ओपन कर ले क्विक रेशो का तो क्या होगा? तो क्विक रेशो का बच्चे पहले अगर मैं ओपन ओपन करता हूं तो फिर हमारा कोई इक्वेशन ही नहीं बन पाएगा, बस सी एल इज इकल टू हमें मिल जाएगा ये है, और सी एल इसके बराबर है वैल्यू पुट करेंगे तो नहीं निकल पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए बेस्ट यही है, इसको भी नोट करिए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, नोट करिए इसको भी। चलिए क्वेश्चन 13 समझ में आ गया, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
आपके बुक का। क्वेश्चन 14 भी बहुत आसान है, कहता है फाइंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में देता क्या है, ओपनिंग स्टॉक। कहता है जी ओपनिंग स्टॉक जो है वो है आपका 62,000, कोई दिक्कत नहीं। कहता है परचेज 4,20, 420। सेल्स कहता है 6 लाख, रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट। देखो अब जीपीआर जो है ऑन कॉस्ट है, कॉन्सेप्ट याद होगा कॉस्ट पे कैसे होता है हमारा, 33 पॉइंट, ये है, इस तरीके से गिवन है 33, 1/3% निकालना क्या है हमने, क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप देखो तो जो जीपी ऑन कॉस्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/3 भी, इस बात को आपने समझना है। ठीक है, और जीपी ऑन कॉस्ट अगर 33.33% है, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि जीपी ऑन सेल्स क्या होगा, जीपी ऑन सेल्स, तो देखो मैंने टेबल भी लिखवाया हुआ है, कॉस्ट पे अगर 33 है तो सेल्स पे कितना होगा चेक करके देखना, 25%। सेल्स पे क्या होगा 25%, मैंने टेबल लिखवाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम यहां पे सीओजीएस निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे जीपी देने का मतलब है कि आप सीओजीएस निकालिए। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस में जीपी, और एक और फॉर्मूला होता है सीओजीएस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। तो देखो यहां पे ये दोनों चीजें तो गिवन है, ओपनिंग और परचेज, क्लोजिंग नहीं दिया तो क्लोजिंग निकल ही नहीं सकता इस फॉर्मूले से। अगर मैं यहां पे सीओजीएस रख दूं और ये भी गिवन है हमें, और सीओजीएस निकल जाए तो इजिली क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, है कि नहीं। तो पहले मुझे सीओजीएस फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन कौन से फॉर्मूले से, सेल्स माइनस जीपी। तो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स कितने का है 4,20,000, माइनस जीपी कितने परसेंट है 25% ऑन सेल्स, है ना, या आप लेट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 25%। तो ये आ गया हमारा 1,05,000 और 3,15,000। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसको डायरेक्ट नहीं, वैसे लेट करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट करके ये लो, मैं पहले एक बार आंसर निकाल लेता हूं फिर लेट करके दिखा दूंगा। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, 3,15,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक देखो 62,000 प्लस परचेज 4,20,000 माइनस में क्लोजिंग, बताइए क्लोजिंग क्या है, नहीं पता, यही तो निकालना है, इन दोनों को प्लस करो, 62,000 प्लस 4,20, तो ये आ गया हमारा 482 और माइनस सीएस और 3,15। अब आपको अच्छे से पता है इधर करोगे तो माइनस में हो जाएगा 3,15,000, तो 167 माइनस का आएगा ये, है ना, माइनस सी एस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने निकाल ली जो पूछा था एग्जाम ने, क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक 167। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये 25% वाला लॉजिक समझ नहीं आया, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। सेल्स आपको पता नहीं है इसको एक्स मान लो, कॉस्ट आपको पता है, सॉरी सेल्स आपको यहां पे पता है, एक सेकेंड, मैंने यहां पे एक मिस्टेक ये कर दिया कि मेरे को सेल्स पे 25% माइनस करना था, मैंने शायद कहीं और कर दिया है, मैंने यहां पे गलत कर दिया थोड़ा, इसको थोड़ा मैं दोबारा कर देता हूं, 6 लाख, ठीक है, तो परेशान नहीं होना,
6 लाख का कितने परसेंट? 25। मैं डिटेल में भी कर दूंगा, तो 1.5 लाख माइनस होगा, और ये जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4.50। 4.50, अब 4.50 यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा फर्क आ गया। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 4.20 ही रहेगा, यहाँ आएगा 4.50, है ना? 4.50 यहाँ आएगा, क्लियर? क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, COGS यहाँ, और ये तो दे ही रखा है, और यहाँ भी आ जाएगा हमारा 4.50। अब 4.80 32,000 आ गया, वही लग ही रहा था मुझे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो कर दिया मैंने, तो 32,000 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये फॉर्मूला रखो, सेल्स कितने का है? 6 लाख का। कॉस्ट नहीं पता, एक्स रखो, जीपी किस पे? कॉस्ट पे, तो x/3। वैल्यू सॉल्व करो ना एक्स की, तो 4x/3, तो 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, into 3/4, तो देखो आंसर 4.50 आ गया। तो यही तो मैं समझा रहा था आपको, तो जिसको जो इच्छा जैसे भी पसंद लगे वैसे वो अपना ये कर ले, ठीक है? अब फटाफट से नोट करिए, ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको नोट करिए फटाफट, फिर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर? 15 देखो, पहले मैंने सारे फॉर्मूले करवा दिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसी के बेस पे मैं इसलिए फटाफट से क्वेश्चन कर रहा हूँ। फॉर्मूले आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे क्या बना है। कहता है जीपी एंड सेल्स निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में कहता है जीपी निकालो, क्वेश्चन मार्क है, एंड सेल्स इट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। कंप्यूट द अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, एंड सेल्स इफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बताओ कितने का है? ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में बोलो, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 60,000 रुपए का, है ना? इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? अगर क्लोजिंग स्टॉक को CS लिखो तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, एग्जाम में पूरा लिखना है आपने, 1 लाख रुपए। STR दे रखा है 8 टाइम। STR क्या होता है? इसको ITR भी बोलते हैं, ITR भी बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। COGS 20% ऑन सेल्स, यानी COGS नहीं, गुड सोल्ड एट अ प्रॉफिट, जो भी हमारा गुड सोल्ड होगा वो प्रॉफिट किस पे होगा? 20% ऑन सेल्स। तो GP दे दिया इसने 20%, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख लिया आपने। तो अब यहां पे GP और सेल्स निकालना है। तो देखो आप, STR दे रखा है, ये किस पे है? ऑन सेल, ये ध्यान रखना। अगर मैं GP ऑन कॉस्ट पूछ लूं तो बता सकते हो क्या टेबल में देख के? हाँ सर, 25% होगा, सिंपल। वैसे मैं नॉर्मल दूसरे तरीके से भी करूंगा। अब यहां ध्यान देना, हम सबसे पहले ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। रेशियो में जब कभी भी कोई फॉर्मूला देगा तो उस फॉर्मूले को ओपन करना है। हम पहले क्या करेंगे? STR, STR इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय AS, एवरेज स्टॉक इंटू में 100। STR क्या है हमारा? 8 टाइम। COGS क्या हमें पता है? COGS क्या हमें पता है? नहीं पता। क्या एवरेज स्टॉक पता है? निकाल तो सकते हैं क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक पता है और क्लोजिंग स्टॉक पता है, ठीक है ना? तो मैं नीचे यहां पे एवरेज स्टॉक निकाल लेता हूं वर्किंग नोट में, 60,000 और 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो 1 80, 60 16 और 80, तो यानी 80,000 आ गया, तो डिवाइडेड बाय 80,000, तो COGS निकल के आ गया। 80 से 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 640 है कि नहीं? सर COGS का क्या करेंगे आप? देखो ना, GP ऑन कॉस्ट निकाल सकते हो और सेल्स के इक्वल रख सकते हो, नहीं तो मैं इक्वेशन बना के ही कर देता हूँ। सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है? सर सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस GP, बिल्कुल सही। सेल्स नहीं पता X, कॉस्ट तो पता चल गया ना 640। GP कितना है? GP कहता है हमारा सेल्स पे 20% है, सेल्स पे 20% है, ये तो मैंने बस डायरेक्ट करने के लिए मिटा देता हूँ। चलो सेल्स पे 20%, तो सेल्स क्या है? एक्स, तो सेल्स x/5 हो जाएगा,
एक्स की वैल्यू सॉल्व करिए, एक्स माइनस में एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू 640। मैं डायरेक्टली भी कर देता इस पे, लेकिन अब मैं इक्वेशन बना के ही कर रहा हूं। 5 4x 5 4x / 5 इज इक्वल टू 640। अब मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी सेल्स की। कैसे निकलेगा? 640 इंटू में 5 / 4, 8 लाख रुपए। ये लो, सेल्स निकाल लिया 8 लाख। एक आंसर कंप्लीट कर लिया हमने भाई, सेल्स निकाल लिया 8 लाख। सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख। और जीपी पूछा है, जीपी कितना है? 20%। तो जीपी इज इक्वल टू 8 लाख इंटू में 20/100, तो ये कितना आ जाएगा? 1,60,000 रुपये। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने क्या कर लिया? डन। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसको नोट करिए, देखते हैं 16 करने लायक है या नहीं है। इसको नोट करिए पहले आप। 16 कहता है, करंट रेशियो दे दिया, लिक्विड रेशियो दे दिया, इन्वेंटरी दे दिया, वैल्यू ऑफ टोटल करंट एसेट, क्विक एसेट, टोटल करंट लाइबिलिटी। ये ना आपसे हो जाएगा, कोई भी एक फॉर्मूला ओपन करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है। फिर भी डाउट आए तो लाइव सेशन में जब मैं आऊंगा तो आप इसको डाउट में मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा उस टाइम पे। ठीक है, चलिए इसके बाद 17 में देखते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो फॉलोइंग, सेल्स दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, डेटर बिगनिंग दे रखा है, डेटर एंड दे रखा है। ये भी हो जाएगा आपसे, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लिया ना, नोट करते रहिए और सुनते रहिए आप। चलो मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा, सिंपल है। 18, एवरेज ट्रेड क्रेडिटर और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करा हुआ है, हम कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, कैलकुलेट द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो डेब्ट पेमेंट पीरियड, यानी एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो क्रेडिटर CTR, क्या फॉर्मूला होता है? क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर इनटू में 100। ठीक है ना, कहता है परचेज दे रखा है 980, परचेज रिटर्न दे रखा है 10-20। मैं लिख देता हूं ना, सही रहेगा उसके लिए। इससे आपका परचेज 980 और ये टोटल है, मतलब कैश भी जुड़ा हुआ है, जब टोटल कह रहा तो 980। परचेज रिटर्न PR लिख देते हैं, ठीक है, 10,200। बिल्स पेबल BP कितने दे रखे हैं आपको? 45,000। बीपी एट द, ये ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बीपी 57,000। मतलब सारी चीजें बड़े ही क्लियर कट में गिवन है। ले लो, कैश परचेज भी दे दिया इसने, कैश परचेज। ये तो फालतू में क्वेश्चन कर पा रहा हूं मैं, ये तो कर ही लेते हैं आप। चलो अब लिख दिया, तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर है, ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर 61,400 और 56,600। ठीक है, चलो। हाँ जी, सबसे पहले क्रेडिट परचेज चाहिए, क्रेडिट परचेज फॉर्मूला क्या होगा? टोटल परचेज माइनस में कैश परचेज। तो हमारा टोटल परचेज 980 माइनस में 185। अब यहां पे ना परचेज रिटर्न भी माइनस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये टोटल था 10,200, इसका ध्यान रखना था हमें यहां पे। 980 10,200, 980 माइनस में 18,500,
सॉरी 1,85 और 10,200, ये 7,8,48,00 आ गया। ठीक है, अब एवरेज क्रेडिटर निकाल लो। फॉर्मूला लिखवाया था ना कि जब ना पता हो सबको जोड़ देंगे, हमें यहाँ पे 45,000 प्लस 57,000 प्लस 61,400 प्लस 56,600, डिवाइड बताओ 4 से करें या 2 से? आंसर इज 2 से, बताया था आपको स्पेशली। 45,000 ये आ गया, 1,10,000। तो यहाँ पे इजीली हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं सर? सीटीआर निकाल सकते हो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 7,8,48,00 डिवाइडेड बाय 1,1। तो 7,8,48,00 डिवाइडेड बाय 1,10,000, ये आ गया 7.13 टाइम, है ना। अब एवरेज पेमेंट पीरियड या पेबल पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम यानी 365 डिवाइडेड बाय सीटीआर। अब बताइए, 365 ले लिया मैंने, सीटीआर क्या है? 7.13, सिंपल। तो 365 डिवाइडेड बाय 7.13, 51.19, 51.19 डेज। ये डेज में आया क्योंकि ऊपर मैंने डेज लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। फॉर्मूला देखते हैं, एक क्वेश्चन करवा दिया, चलो 18 के बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 19। और देखें आप, 20 क्वेश्चन मैंने 20 ना करवाया हुआ है, 20 भी कर लिया हमने। इसके बाद पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, इसको नोट करिए, आप एक बार नोट करिए फटाफट। कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, कुछ बच्चों का डाउट भी आया सर इसमें कैसे करेंगे, तो देखो इसका यही है सेम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब वही है लगभग लगभग। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट जैसे वहां होता था, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट होगा, वहां पे आफ्टर नहीं होता था, बिफोर होता था। नेट प्रॉफिट आफ्टर ये मैंने बताया नहीं था पहले, तो अब लिख देता हूँ आफ्टर टैक्स। अब मुझे ये नहीं समझाना कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इंटू 100। अब सर शेयर होल्डर फंड क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और रिजर्व एंड सरप्लस होता है, इन सबको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। ऐसा ही क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग, 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल देता है क्वेश्चन में, 10% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। और एग्जामिनर ने कितने दिए 10% प्रिफरेंस शेयर का कैपिटल पेड अप? आपको यहां पे देता है 1,00,000 रुपए, रुपीज का सिंबल है। कहता है 16,000 इक्विटी 10 रुपीज ईच, इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000 10 रुपीज ईच, तो 1,60,000 हो गया। कहता है कि यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस 6,40, रिजर्व एंड सरप्लस 6,40, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया इसने, नेट प्रॉफिट बहुत ही सिंपल है, आफ्टर टैक्स प्लस करिए इसको। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सबको ऐड करना है शेयर होल्डर फंड में, 1,00,000, 1,60,000, 6,40,000, 9,00,000, 9,00,000। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या दे रखा था एक बार देख के बताना, 237,500। सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है आपने,
रिजल्ट इज 237 500 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100. 237 500 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 ये आ गया हमारा 26.38. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था ये, रिटर्न ऑन इक्विटी. इसके बाद हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर, सॉरी 18 नहीं है ये 19 है. इसके बाद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 20, नोट करिए इसको. हाँ जी स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है जिसका पता होना चाहिए. कुछ आप बोलोगे सर ये सारे फॉर्मूले तो आपने नहीं करवाए, तो अब देखो लॉजिक देखो. कहता है फिक्स एसेट टर्नओवर, जब कभी भी टर्नओवर आ जाए ना तो सेल्स ऊपर होता है, और किस चीज पे टर्नओवर है उसे नीचे रखना है. जैसे मैं रखता एक्सपेंस टर्नओवर, तो टर्नओवर ऊपर रहता सेल्स और एक्सपेंस नीचे आ जाता. जैसे मैं बोलता हूं सपोज करो कुछ, जैसे कि क्रेडिटर डेटर और स्टॉक टर्नओवर को छोड़ के मैं बाकी की बात करता हूं. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स ऊपर आ जाएगा नीचे वर्किंग कैपिटल. ठीक है, आपने समझना इस बात को. कैश टर्नओवर रेशियो, सेल्स ऊपर रहेगा नीचे क्या रहेगा कैश. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स ऊपर होगा नीचे होगा टोटल एसेट. तो ये बेसिकली आपको फॉर्मूला जो है, बहुत सारे फॉर्मूला तो आपको बताना पड़ेगा. तो जब इस तरीके का सिचुएशन हो तो माइंड में एक तरीके से आप लेके चलना कि टर्नओवर हमेशा जिस पे टर्नओवर होगा वो. अब मुझे बताइए आप, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो बताओ ऊपर क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल ठीक. डेटर टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी यू नो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये भी पता है. प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल देता है ब्रैकेट में ईबीआईटी ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स तो ईबीआईटी अपॉन सेल्स. जब रिटर्न की बात करते हैं ना, रिटर्न जब आता है उस पर तो डिवाइडेड बाय हो जाता है, बोला जाता है. जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स तो आपका ईबीआईटी अपॉन में एसेट्स. किस पे एसेट्स चाहिए, जिसके ऊपर चाहिए. देखो यहां सेल्स था तो सेल्स नीचे, यहां एसेट्स है तो एसेट्स नीचे. रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपका प्रॉफिट अपॉन में इक्विटी. रिटर्न ऑन डिबेंचर तो डिबेंचर तो ये नीचे आ जाता है जिसके ऊपर डिबेंचर. अर्निंग पर शेयर ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स नंबर ऑफ शेयर ये पता है आपको. चलिए रेड लिमिटेड और ग्रीन लिमिटेड, रेड लिमिटेड और ग्रीन लिमिटेड दोनों का निकालना है तो मैं दोनों का निकाल देता हूं यहां पे. तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स रेशियो में हमारा जो फिक्स एसेट टर्नओवर है तो सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट्स है. तो सेल्स हम टर्नओवर को सेल्स कहते हैं, ये जो है ना हमारा ये सेल्स होता है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. तो टर्नओवर सेल्स अपॉन में फिक्स एसेट, तो सेल्स देखो इसका 2700 गिवन है, आराम से निकालिए कोई जल्दबाजी नहीं है. डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्वेश्चन में दे दिया इसने 225, फिक्स एसेट्स 1305 है, 1305. अब टर्नओवर है तो इसका आंसर टाइम में आएगा, तो टाइम क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करिए फटाफट. क्या आता है सॉल्व करिए बताइए जल्दी, 2.07 टाइम. ठीक है, अगले का निकाल दो ऐसे दूसरे का. तो टर्नओवर है 1650 और इसमें है 705 का, तो 1650. या फिर मैं एक काम करता हूं ना, एक ग्रीन लिमिटेड आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है, मैं सारा रेड लिमिटेड का कर देता हूं, ग्रीन लिमिटेड का आपने करना है. ठीक है, अगला है डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स. तो देखो कहीं भी क्वेश्चन में कैश सेल्स का डिस्कशन किया हुआ है कि ये कैश सेल्स है ये नहीं है, तो नीचे कहता है फिक्स एसेट्स दे दिया, कैश दे दिया, सन्डी डेटर स्टॉक क्रेडिटर बैंक ऑफ ड्राफ्ट शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व एंड एक्सेट्रा डिबेंचर वगैरह. बोथ कंपनी सेल गुड्स ऑन प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट. ठीक है, विवेक इंजीनियर एम्प्लॉयड रेड लिमिटेड से द कंपनी इज द बेटर मैनेजर मैनेज कंपनी बिकॉज टर्न ओवर नेट प्रॉफिट हायर देन द ग्रीन लिमिटेड. विच कंपनी इज द ओपिनियन द बेटर वाई, आपको बताना है बेटर कौन सा है, तो वो तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट सेल्स। जब कुछ दिया ही नहीं तो जो हमारा ये सेल्स है ना, इसी को, ये सेल्स हमने क्या माना था, 2700, सबको ही क्रेडिट मान लेना पड़ता है हमें। तो क्रेडिट सेल्स 2700, एवरेज डेटर ओपनिंग प्लस में क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। क्या ओपनिंग डेटर है? बिल्कुल, देखो डेटर दे रखा है और यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई चक्कर ही नहीं है, तो क्लोजिंग ही मान लेंगे लास्ट में हम, ठीक है ना। तो क्लोजिंग ही हमारा बन जाता है कई बार डेटर, आपको पता होना चाहिए। मैंने कई बार बताया कि क्लोजिंग डेटर ही कई बार हमारा बन जाता है डेटर। तो 420 यहाँ पे क्या आएगा, 420 सॉल्व करिए क्या आता है, इसका आंसर आएगा 6.4 टाइम। अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्टॉक टर्नओवर पे। क्या कहता है सीओजीएस? अब यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सीओजीएस सेल्स में से जीपी माइनस करना पड़ेगा। तो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। और आपको पता है सेल्स क्या है? बिल्कुल, पहले वाले का ही मैं कर रहा हूँ, 2700 लाख और माइनस जीपी। नीचे कहता है जीपी 20% ऑन कॉस्ट, तो सेल्स पे कितना होगा, 20%। तो यहाँ 20% मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, तो 20% इसका निकाल देता हूँ डायरेक्टली, 20% डायरेक्टली निकाल देते हैं, 2700 का 20%। ओहो, माइनस हो गया, ये आएगा आपका 540। अब ये कुछ बच्चे पूछेंगे फिर से, तो मैंने बोला हुआ है कि मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप बाकी लॉन्ग प्रोसेस से भी जा सकते हो। 2160, ये आ गया सीओजीएस। तो हमें सीओजीएस रखना है, क्या आया, 2160 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब कोई एवरेज स्टॉक नहीं दे रखा, तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक हो जाता है, तो 450। तो अगर मैं करूं 2160 डिवाइडेड बाय 450, तो आंसर 4.8, 4.8 टाइम। बड़ा ही आसान है। अगला कहता है प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स तो पता है जी हमें, 2700 इस लेवल पे मैं ढूंढू, दे रखा है, दे रखा है बिल्कुल 225। ओहो, उल्टा कर दिया मैंने, 225 डिवाइडेड बाय 2700, ये 100, ये प्रोफेबिलिटी रेशियो का है। तो कुछ रेशो तो ऐसे हैं जो कि आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे हो भी सकता है, हमेशा रहेगा ये प्रॉब्लम हमारे साथ। 8.33%, कोई बड़ी बात नहीं है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, तो ईबीआईटी, जब भी रिटर्न की बात करें तो ईबीआईटी आ जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगर मैं कहता रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी। अगर मैं कहता रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, बड़ा ही सिंपल जवाब। एसेट्स, अब यहां रिटर्न टोटल एसेट्स, अब समस्या ये है टोटल एसेट ढूंढना पड़ेगा। चलिए मैं टोटल एसेट ढूंढ लेता हूं, पहले ईबीआईटी क्वेश्चन में तो दे ही रखा है 225। टोटल एसेट ढूंढते हैं, देखो फिक्स एसेट्स पता है, कैश पता है, मैं कहां लिखूं टोटल एसेट, टोटल एसेट्स यहां लिख देता हूं मैं, यहां तो यही फॉर्मूला जाएगा, यहां लिख देता हूं टोटल एसेट्स। ये तो आपका होमवर्क में ना, टोटल एसेट्स क्या क्या लूंगा मैं इसमें। सबसे पहले आएगा आपका फिक्स एसेट्स 1305, फिक्स एसेट्स। और क्या लेंगे, कैश है नहीं इसमें, दूसरे पे है तो दूसरे का करेंगे, तो लेंगे डेटर 420, 420। डेटर के बाद क्या है हमारे, स्टॉक बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स में थोड़ी ना जुड़ा होगा वो। क्रेडिटर नहीं लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे, शेयर कैपिटल नहीं लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे, और कुछ भी हमें नहीं लेना। इसको टोटल करिए आप, इसको टोटल करिए, 1305 प्लस 420 और प्लस 450, ये आ गया 2175, 2175 ये टोटल एसेट्स आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हमारा ये डिवाइड क्या करेंगे, 2175 इंटू 100, क्या आएगा, 225 डिवाइडेड बाई 2175 इंटू 100। कई सारे इस टाइप के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सिक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स के लिए हमें टैक्स की जरूरत है, क्या क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है, ध्यान से देखो तो लास्ट में कहता है टैक्स हमारा 35% है। तो ईएटी कैसे निकालते हैं, आपको याद है क्या ईएटी कैसे निकालते हैं, यहां पर लिख देता हूँ, लास्ट है ईएटी, तो ईबीआईटी, ईबीआईटी आपको पता है कितना है, बोलो ईबीआईटी क्या है हमारा, ईबीआईटी कहाँ यूज किया मैंने, यहाँ 225। सबसे पहले माइनस इंटरेस्ट करोगे, इंटरेस्ट के लिए आपको लोन डिबेंचर जो भी चाहिए, तो ध्यान से देखो यहाँ पे इंटरेस्ट है 10%, 450 का, तो
तो 45 है ना, 450 का, तो माइनस करा तो ये आ गया ईबीटी, तो 2225 माइनस में 45, 180 आ गया। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, टैक्स, टैक्स देखो क्या दे रखा है हमें, 35% निकाल लेते हैं, 35% ये 63 आ गया, तो 117 आ गया। अब ये 117 क्या आ गया, ईएटी। अब इसको किससे डिवाइड करना है, कहता है ईएटी नंबर ऑफ शेयर, आपको शेयर कैपिटल दे रखा है, यहां पे शेयर कैपिटल दे रखा है 600, तो आप ये अजम्पशन लो कि 10 रुपए का एक शेयर है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 117 डिवाइडेड बाय 10 का एक शेयर है 600, तो डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60 1.95, ये आ गया हमारा। दूसरे का आपने करना है, फिर से देख लो आप यहां तक पहुंच गए, डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको जो शेयर्स दे रखा है वो दे रखा है 600 लाख रुपए का, तो सारा लाख में डिजिट है 600 रुपए का मान लेते हैं, एक शेयर कितने का होगा 10 का, तो कितने होंगे 60, तो इसलिए मैंने डिवाइड किससे कर दिया, इसको 60 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम एज इट इज है, नेट प्रॉफिट करंट रेशियो डेटर टर्नओवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था मैंने क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन भी करना है, सिंपल है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लिखाया था, कैसे होगा अर्निंग पर शेयर, यही तो निकाला है, ईपीएस, ईपीएस ही तो पूछा था, ये देखो अर्निंग पर शेयर निकाल रखा है। इसके बाद 27 को देखते हैं, तो आप नोट करते रहिए मैं बताता रहता हूँ, 27 क्वेश्चन में बोथ कंपनी अर्निंग 20%, ठीक है 27 भी आपने ही करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है सारी चीजें। 27 के बाद आ जाए आप 28 पे, मैं 28 करके दिखाऊंगा, और 28 मैं करके दिखाऊंगा, पहले आप इसको फटाफट करिए नोट, फिर मैं 28 पे आता हूँ। मिटा दे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन 28, बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करना, बाकी डाउट तो लूंगा ही मैं। हाँ एक और बात पूछी थी, कौन सा बेटर है बेस्ट है, तो मैं अगर लाइव सेशन में मैं ले लूंगा, मिसलेनियस रेशो, कहता है के लिमिटेड अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट नहीं बोला इसने, बिफोर टैक्स 15 लाख, कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट 30,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज, 6 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसमें 30,000 यानी रुपीज 3 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल है, पहले ही कहता है ये भाई के 6 लाख है 10 रुपए का, तो 60 लाख, ठीक है। डिबेंचर 100 रुपए वाला है 15,000, 10% डिबेंचर, डिबेंचर 100 रुपए वाला 15,000, तो 15 लाख हो गया, 20 100 के। आगे कहता है डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, कोई बात नहीं, डेट इक्विटी ऐसे तो आप ये कर सकते थे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं साथ के साथ लिख देता हूं, डेप्ट अपॉन में इक्विटी, इक्विटी में या डेट इक्विटी बोला गया, तो जब आप इक्विटी निकालोगे ना तो सारा पूरा प्रेफरेंस शेयर भी लोगे, बोलने को डेट इक्विटी है, बेसिकली यहां पे शेयर होल्डर फंड होता है, मतलब रिजर्व सरप्लस सारी चीजें, तो याद होगा आपको मैंने जब आपको डेट इक्विटी रेशियो करवाया था तो बताया था। आगे कहता है डेट इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न की बात करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया जाता है और इंटरेस्ट लिया जाता है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो है, इंटरेस्ट भी इसमें हम देखेंगे, तो
प्रॉफिट वैसे हमारा बिफोर टैक्स कितना दे रखा है हमें, 15 लाख दे रखा है, ठीक है चलो। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट यानी PBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। समझा देता हूं बस मैं, आपने ही करना पड़ेगा ये। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को CE लिख रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR करवाया था याद होगा, ICR क्या बताया था मैंने, ICR का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट यानी PBIT डिवाइडेड बाय कितने पे हमारा डेट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, ठीक है। अगला कहता है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये भी करवाया था आपको, कैपिटल गियरिंग रेशियो, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था, इंटरेस्ट जो भी फिक्स इंस्टॉलमेंट पे जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी प्लस में प्रेफरेंस हो गया शेयर होल्डर, बस आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, फटाफट करना है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में EBT दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है आपको कि अर्निंग बिफोर टैक्स, यहां पे इंटरेस्ट का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, तो आप अजम्पशन ले लो कि इसमें इंटरेस्ट पहले से माइनस नहीं है, इसका नोट दोगे आप, ठीक है ना, नोट दे देंगे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ठीक है, एक्सक्लूड इंटरेस्ट, ऐसे सिचुएशन में नोट दे दो, नहीं तो आप इसमें इंटरेस्ट माइनस करना, अगर ऐड करना चाहते हो वापस, मानते हो कि इंटरेस्ट माइनस है तो डेट आपको पता है इसका, इंटरेस्ट इसमें वापस ऐड कर दो, लेकिन नोट दे दो तो भी चल जाएगा। चलिए डेट कितना है, डेट ये रहा डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, ये दोनों, क्या प्रॉफिट ऐड होगा इसमें शेयर होल्डर फंड में, तो इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा शेयर होल्डर फंड में, प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट दे रखा है इसमें। अब ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट होता है हमेशा वहां पे, तो चूंकि ये बिफोर टैक्स है तो ये वाला नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट जाता है। तो हम मान लेते हैं भाई शेयर होल्डर फंड में बस दो ही चीज है, 63, अगर यही चीज आफ्टर होता ना तो हम यहां लेते, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट जाता है वो फाइनल अकाउंट में देखा होगा टैक्स को माइनस करने के बाद जाता है, तो ये तो बिफोर है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा जाएगा, आफ्टर टैक्स, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यही आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 15 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होता है तीनों का ऐड कर दो, 15 लाख भी ऐड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड में, नेट भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, शेयर होल्डर फंड प्लस में डेब्ट लॉन्ग टर्म, तो 63 प्लस में 15 लाख, 78, ठीक है, ये इसके आगे परसेंटेज में निकलेगा, ये जिस पे रिटर्न लग गया वो परसेंटेज। ICR EBIT आपको दे ही रखा है 15 लाख, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म पे कितना होगा बताओ, 10% 15 लाख पे 1.5 लाख, 10%, ठीक है। अगला कैपिटल गेयरिंग इंटरेस्ट कितना है, 1.5 लाख, और इक्विटी शेयर दोनों को ऐड कर दो, 63, ये भी आपका परसेंटेज में निकलेगा, और तो कुछ नहीं पूछा, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.24%, इसका आएगा ये परसेंटेज, इसको परसेंटेज लिख दो, ये लिख सकते हैं 0.24:1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये क्या आ गया, 10 टाइम, हमेशा टाइम में आएगा ये आंसर,
ठीक है, कैपिटल 30%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नोट करिए, एक बार ये ध्यान रखना है अपने, ठीक है, नोट करिए।